नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल रेसिपी फॉर फूडीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार खीर, खीर विद न्यू ट्विस्ट। ये ना चावल की खीर है, ना मखानों की खीर है, ये है उड़द दाल की खीर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। और अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आपने खीर तो बहुत खाई होगी, चावल की, मखानों की, पर आज हम एक खीर को नया ट्विस्ट देते हुए उड़द की दाल की खीर बना रहे हैं। ये उड़द की दाल मैंने एक छोटी कटोरी ली थी और इसे मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो है देसी घी, सफ़ेद तिल, बादाम, काजू, एक छोटी कटोरी चीनी, कुछ केसर के दाने और मिल्क मेड। ये इंग्रेडिएंट्स कितने कितने डलेंगे ये मैं आपको अभी बनाऊंगी और साथ साथ बताती जाऊंगी। काजू, बादाम और तिल, ये जो है ये आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट दाल के पानी को ड्रेन करते हैं और इस दाल को दरदरा पीसते हैं। जब हम पीसेंगे तो इस दाल में पानी नहीं होना चाहिए। देखिए, दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है। चलिए अब उड़द की दाल की खीर बनाते हैं। दोस्तों, कढ़ाई को मैंने गैस पे गर्म होने रख दिया है और साथ ही मैंने इसमें जो देसी घी लिया था वो डाल दिया है। इसमें टिप ये है कि अगर हम इस दाल को भूनने से पहले 2 चम्मच सूजी के डालते हैं तो ये दाल हमारी भूनते हुए चिपकेगी नहीं। तो पहले हम 2 चम्मच सूजी के डालते हैं, इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। 1 सेकेंड ही हुआ है और सूजी हमारी रोस्ट हो गई है। अब हम इसमें ये जो हमने दाल को दरदरा पीसा था इसे डाल देते हैं और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक घी में भूनेंगे। इसे भूनने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। दाल जितनी अच्छी तरीके से भूनी जाएगी खीर का स्वाद भी उतना ही आएगा। ये देखिए, सूजी डालने से हमारी दाल नीचे चिपकी नहीं और दाल बढ़िया तरीके से भुनी जाएगी। बस 10 से 15 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे हम इस दाल को भुनेंगे। जब तक हम दाल को भूनते हैं, साथ ही मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे, काजू, बादाम और सफ़ेद तिल, इसे हम दरदरा पीस लेते हैं। और 1 किलो जो दूध लिया है उसको मैंने बाहर निकाल दिया, इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, इसे खीर में डालेंगे। तो चलिए फटाफट ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीसते हैं। देखिए, दाल भी बढ़िया तरीके से भुनी गई है। अब हम इसमें जो हमने दरदरे पीसे थे नट्स को, उसको भी अब हम इसमें डाल देंगे। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे। जैसे ही नट्स थोड़े रोस्ट हो जाते हैं इसमें हम दूध डालेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे जो हमने 1 किलो लिया था। और साथ साथ चलाते जाएंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़े से केसर के दाने डालेंगे जिससे कि इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। दोस्तों, खीर को बनते हुए 20 मिनट हो गए हैं और दाल और दूध बढ़िया तरीके से आपस में पक गया है। अब हम इसमें मिल्क मेड, जो कि मैंने 2 से 3 सर्विस स्पून लिया है, वो हम इसमें डालेंगे। साथ ही इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे क्योंकि मिल्क मेड में भी चीनी होती है, तो उसी हिसाब से हम चीनी भी कम क्वांटिटी में डालेंगे।
अब इसे हम 10 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम बढ़िया गर्मा गर्म खीर को सर्व करते हैं। देखिए 10 मिनट और हो गए हैं और हमारी खीर बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गई है। आइए इसे सर्व करते हैं। हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है, आइए इसे गार्निश करते हैं। इसे मैं एक वर्क के साथ और थोड़े से नट्स के साथ, काजू बादाम इसके साथ गार्निश करती हूँ। देखिए हमारी मज़ेदार दाल खीर बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म खाकर मज़ा लें।